नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रथम आवधिक परीक्षा 2022-23 यानी PT1 एग्जाम क्लास 12 विषय हिंदी प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, जो कि 40 अंक का होगा और 1.5 घंटे यानी 1 घंटा 30 मिनट का होगा। सामान्य निर्देश आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीधा प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजरे के बाहर धरती बड़ी है, निर्मम है, वहाँ हवा में उसे अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है, यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, बाहर दाने का टोटा है, बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है, फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। मर जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर उड़ जाएगी। पहला प्रश्न है, पिंजरे के बाहर की धरती बड़ी है फिर भी उसे निर्मम, ये ला मिसप्रिंट हो गया, निर्मम क्यों कहा गया है? निर्मम क्यों कहा गया है? चिड़िया के लिए चारा पानी ना होने के कारण, बहेलिए का डर होने के कारण, कमजोर द्वारा अपने जीवन के लिए संघर्ष किए जाने के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो उपरोक्त सभी, यह सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को संसार की किस वास्तविकता से परिचित कराना चाहा है? जीवन बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बाहर भोजन पानी आसानी से नहीं मिलता, वह निश्चित होकर डाली पर फुदक सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है अ और ब, यह सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है कहकर कवि ने किस ओर संकेत किया है? कवि के पास की दुनिया की ओर, हरे भरे जंगलों की ओर, बंद पिंजरे की ओर, पिंजरे के बाद की दुनिया की ओर। तो यहाँ पर जो चिड़िया है वो कहाँ पर कह रहे हैं? पिंजरे में बंद है, जहाँ पर उसको पिंजरे में ही दाना पानी मिलता है, तो यहाँ पर बंद पिंजरे की ओर इशारा किया है कवि ने। अगला प्रश्न है, चिड़िया की अभिलाषा मुक्ति पाना है क्यों? पिंजरे में चारा पानी ना मिलने के कारण, जंगल के दर्शन करने की इच्छा होने के कारण, स्वतंत्र जीवन जीने की अभिलाषा रखने के कारण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो स है, तीसरा। अगला प्रश्न है, काव्यांश का मूल भाव क्या है, यानी इस पद्यांश का काव्यांश का मूल भाव क्या है? तो पहला ऑप्शन है चिड़िया की अभिलाषा बताना, स्वतंत्रता का महत्व बताना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्वतंत्रता का महत्व बताना, यानी गुलामी का जीवन गुलामी का होता है और स्वतंत्रता का जीवन स्वच्छंद होता है, सुंदर होता है, सुख भरा होता है। चिड़िया स्वतंत्र रहकर अपना जीवन जीना चाहती है, तो स्वतंत्रता का महत्व बताना है। इसमें अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं, माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे तो बातें करनी है, उम्र बहुत बाकी है लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है, एक सपने मोती का है, एक स्वप्न रोटी भी तो है, घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है, सोचा है विश्वास जगा लो, सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियाँ तरनी हैं, तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी हैं, मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है, नेह कोष को खुलकर बांटो कभी नहीं टूटा होता है। नेह कोष यानी प्रेम का भंडार, प्रेम का खजाना। आंसू वाला अर्थ न समझे तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे, आंसू वाला अर्थ यानी किसी के दुखी आँखों को, यदि किसी के सामने वाले के दुख को आप नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, तो सारा ज्ञान बेकार है। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं मरनी है, तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे तो बातें करनी है, इस पर आधारित ये प्रश्न है। आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेयकोश, इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, नेयकोश कब व्यर्थ होता है? नेयकोश यानी प्रेम रूपी भंडार, प्रेम का भंडार, जब इसे दूसरों में ना बांटा जाए, जब इसका लाभ हम अकेले उठाएं, जब हम गरीबों को शिक्षित करेंगे, जब हम गरीबों का दुख दर्द समझेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए था, नेयकोश कब व्यर्थ है? व्यर्थ तब है जब इसे दूसरों में ना बांटा जाए, या दूसरों के दुख, हाँ,
नियकोश कब व्यर्थ होगा? जब इसको बांटा ना जाए। आप एक बार काव्यांश को फिर से देख सकते हैं, नियकोश को खुलकर बांटो, कभी नहीं टूटा होता है। तो नियकोश यानी प्रेम जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जब दूसरों में, इसका सही उत्तर है जब इसे दूसरों में ना बांटा जाए तब व्यर्थ है। अगला प्रश्न है वितान पाठ पर आधारित है। वितान पाठ के आधार पर पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है वितान से सिल्वर बेडिंग कहानी से, सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन लास्ट का है द, वो सही है। इसमें सभी हैं, पीढ़ी का अंतराल बताया गया है, हाशिए पर धकेले जाते मारे भी मूल्य और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो लास्ट का जो है द, वो सब सारे सभी ऑप्शन सही हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है यशोधर बाबू अपना रोल मॉडल किसे मानते थे? तो यशोधर बाबू अपना रोल मॉडल किसे मानते थे? किशन दा को। तो जो खा ऑप्शन है वो सही है, किशन दा। सिल्वर बेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की क्या भूमिका है? चरित्र नायक की, नए परिवेश में मिसफिट यानी ठीक से फिट नहीं हुआ ऐसा व्यक्ति, परंपरावादी। तो इसका जो ऑप्शन है घ, चौथा ऑप्शन वो सही है, इनमें से तीनों सही हैं। जनार्दन शब्द सुनकर यशोधर पंत को किसकी याद आई? अपने बहनोई जनार्दन जोशी की। तो ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बाईडी यानी यशोधर पंत को यूनी ड्रेसिंग गाउन किसने गिफ्ट किया था उनकी सिल्वर बेडिंग पर? तो उनके बेटे भूषण ने। का ऑप्शन सही है, भूषण ने गिफ्ट किया था। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ये गद्यांश है जो कि बाजार दर्शन पाठ से रिलेटेड है। ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, बाजार दर्शन पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जिस पर आधारित प्रश्न है शैतान का जाल किसे कहा गया है? शैतान का जाल, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बाजार को कहा गया है। बाजार के आमंत्रण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसमें उपयुक्त सभी यानी बाजार के आमंत्रण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? इसमें आग्रह तिरस्कार जगाता है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुंह को होता है, असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। तो इसमें ये सभी जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं बाजार का जादू किस राह काम करता है? तो बाजार का जादू आँख की राह काम करता है, ऑप्शन सही है। बाजार के जादू का सर्वाधिक असर कब होता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो तब अधिक असर करता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यानी यहाँ पर ये आत्मपरिचय कविता से पद्यांश लिया गया है, काव्यांश लिया गया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आत्मपरिचय कविता से लिया गया है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस पर आधारित प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश एक गद्यांश में स्प्रिंट हो गया है, उपयुक्त पद्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवि क्या भुलाना चाहता है? सांसारिक ज्ञान को, जो संसार से जो ज्ञान सीखा है उसे भुलाना चाहता है। अगला प्रश्न है इन पंक्तियों में तीन बार और शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें मैं और, आप देख सकते हैं पद्यांश मैं और यानी यहाँ पर जो और है, पहला और है वो कवि के लिए आया है, और जब और जो दूसरा और है वो कवि और संसार के बीच संबंध बता रहा है, और जो तीसरा और है जब और वो संसार के लिए जग के लिए आया, यानी संसार दूसरा है अलग है। तो पहला और कवि के लिए, दूसरा और संसार और कवि के बीच संबंध बताने के लिए, और जो तीसरा और है वो संसार के लिए आया है। मैं और जब और संसार अलग है और है। तो इस तरह से और शब्द का आप अर्थ समझ सकते हैं, उसी पर आधारित ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है दिए गए सभी कथन वैभव शब्द का अर्थ क्या है? तो वैभव शब्द का अर्थ है भौतिक सुख सुविधाएं, धन संपदा, भौतिक सुख। अगले प्रश्न अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड है।
निम्नलिखित में से कौन सी बातें रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें हैं? तो इसमें साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी ए भी है, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग, यानी डेडलाइन का पालन करना होता है रेडियो समाचार के लिए, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर, संक्षिप्ताक्षर यानी संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, नंबरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसे आराम से रेडियो पर पढ़ा जा सके और जिसे श्रोता आराम से आसानी से समझ सके। तो इसमें क और ख दोनों ही हैं, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी का सूचना चरण नहीं होता? तो इसमें फोन इन होता है, एंकर पैकेज होता है, ड्राई एंकर होता है, स्क्रिप्ट, ये टीवी का सूचना चरण ये नहीं होता, स्क्रिप्ट नहीं होता, बाकी ऊपर के तीनों होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, सही ऑप्शन है घ, स्क्रिप्ट। अगला जो प्रश्न है, खंड ब, वर्णात्मक एवं रचनात्मक लेखन, बीसंग, तो इससे रिलेटेड आर ओ से प्रश्न है, लक्ष्मी का भक्तिन नाम किसने और क्यों रखा? ये भक्तिन पाठ से लिया गया है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? भक्तिन पाठ से है। कविताओं से आधारित इसमें प्रश्न है, सबसे तेज बौछार गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें, पतंग कविता से है। जन्म से भी अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, ये भी पतंग कविता से है। ए किसी एक विषय पर अप्रत्याशित लेख लिखिए, यानी रचनात्मक लेखन से संबंधित है, मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड, सूर्योदय का दृश्य, मेरे अध्ययन कक्ष की घड़ी, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नाई, ये कुछ अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर प्रश्न है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली पर प्रकाश डालिए, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें, हिंदी में ऑनलाइन पत्रकारिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यह था दोस्तों प्रैक्टिस पेपर, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे और बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।